कुछ साल पहले की बात है, जब मेरा 50वां बर्थडे था तब किसी ने मुझे एक बुक गिफ्ट की थी। उस बुक के फर्स्ट पेज पे, दैट इज ब्लैंक पेज पे, एक बेहतरीन बात लिखी थी उस इंसान ने। लिखा था, डियर मानव, तुम किसी और को नहीं खुद को इम्प्रेस करने के लिए पैदा हुए हो। जब तुम दूसरों को इम्प्रेस करना बंद करके खुद के लिए खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करोगे, तब सही मायने में तुम मानव बनोगे। एंड वाई मानव? बिकॉज मैं अपने आप को मानव कहता था और मानव के नाम से ही ब्लॉग्स लिखता था इन गुजराती, दैट इज कॉल्ड मानवनी नजरे, मंजे फ्रॉम द आईज ऑफ मानव, वैसा, इसलिए मानव। यू नो, मैंने एक बात नोटिस की है कि दूसरों को इम्प्रेस करना बड़ा आसान है। हमें जैसे ही पता चलता है कि सामने वाला इंसान हमारी ये चीज़ें करने से इम्प्रेस होता है, हम वही चीज़ें करने के ट्रैप में फंस जाते हैं। और ये वही चीज़ है कि जो उनको इम्प्रेस करती है। और ऐसा क्यों करते हैं? उनका अटेंशन या उनका अप्रूवल पाने के लिए। अप्रूवल की हम आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करते हैं, हम भी मैटर करते हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट अस, उस बात का अप्रूवल। ऑल्सो, आप जब खुद को नहीं मिलते, खुद की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते, तो भी सब कुछ आसान लगने लगता है, क्योंकि आप अपने आप को भुला के किसी और के साथ बात करने का ट्राई कर रहे हैं, तो आसान लगता है। और दिमाग वही देखना चाहता है कि जिसमें वो कंफर्टेबल हो, ना कि जो सच हो। इसलिए जब आप खुद को भुला के दूसरों को इम्प्रेस करने में लग जाते हो, तो भले ही ईजी लगता हो, पर उस ईजी और ग्लॉसी प्रोसेस में आप खुद को गवा देते हो, जिसका अंदाज आपको नहीं है। मतलब ये तो उसके जैसा हुआ कि दूसरों को पाने के लिए खुद को गवाना, और जो अपने है ही नहीं उसमें अपने आप को गवाना, ये कैसा दस्तूर है? और आखिर में बस एक ही बात है, दूसरों को इम्प्रेस करने में कभी भी खुद को डिप्रेस मत करना। ये बात जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ज़्यादा खुश रहोगे।